तो फॉर एग्जांपल ये एक बुक है, फिजिकल बुक है, इसके अंदर स्टोरीज है, आपके एजुकेशन की बुक भी हो सकती है। अब इसे क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना होगा एक डिजिटल बुक के अंदर, मतलब कि पीडीएफ फाइल के अंदर। और उसके लिए उन्हें काफ़ी सारे लोग चाहिए कि कोई बंदे आए जो कि फिजिकल बुक को कन्वर्ट करें एक डिजिटल बुक के अंदर। अभी कंपनी जो है वो इंडिया की है और उनका टारगेट है कि 2036 तक इन्हें सारी जो भी फिजिकल बुक्स है उन्हें कन्वर्ट कर देना है डिजिटल बुक के अंदर। अभी किसी पब्लिशर से कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं या कैसे काम करती है उसका अपने को कोई आइडिया नहीं। अपने को आइडिया सिर्फ इतना ही है कि आपको फिजिकल बुक को कन्वर्ट करना है डिजिटल बुक के अंदर, मतलब कि टाइपिंग का काम करना है, और इसके लिए कंपनी आपको पे करेगी और आपको जॉब पे रखने वाली है। प्रोसेस क्या है बताऊंगा, वेबसाइट कौन सी जान लेते हैं। जैसे कि जो ये वेबसाइट देख रहे हैं अभी, जिसका नाम है हायर इन ग्लोबल, ठीक है। ज्वाइन इन टाइपिंग प्रोजेक्ट टू अर्न इन पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट। घर बैठे काम करना है, आपकी जॉब रहने वाली है लेकिन रिमोट जॉब रहेगी। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इनकी प्रोग्राम देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन ई बुक टाइपिंग प्रोजेक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 2008 से उन्होंने काम स्टार्ट किया है और इसे वे कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया 2036 तक। अब यहाँ पे दो चीजें बताई हुई आपको कि फर्स्ट है ई बुक टाइपिंग प्रोजेक्ट इज सिंपली टाइपिंग वर्क, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल बुक्स इनटू डिजिटल बुक, जैसे कि मैंने बताया जो भी प्रोजेक्ट देते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। पेमेंट यहाँ पे आपको पर पेज के हिसाब से मिलेगा, कितनी बड़ी बुक है उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा और एट द एंड आपको पेमेंट मिलने वाला है। पेमेंट प्रूफ जो है वो भी दिखाऊंगा आपको, और ट्रांजेक्शन आईडी, मतलब सब कुछ देकर रखा हुआ है, खुला चिट्ठा है इनका। ऑफिस कहाँ पे है वो है गुजरात के अंदर। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक और चीज की बी सेफ अलर्ट फ्रॉम मेनी फ्रॉड एक्टिविटीज विच आर रनिंग ऑनलाइन, मतलब कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको ऑनलाइन जॉब देंगे, घर बैठे जॉब देंगे, ये इनका वादा करते हैं, बोलते हैं कि आपको इस कंपनी के अंदर काम करना है और आपसे पैसे लेते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया कि आपको 2000 रुपया पे पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आपने 2000 पेमेंट किया तो मैं आपको यहाँ पे सिलेक्शन करवाऊंगा, या फिर 2000 का पेमेंट लेने के बाद वो आपको बोलेंगे कि आपको यहाँ पे काम मिलने वाला है। ऐसे काफी सारे चीटर्स हैं जो हमारे नाम पे चीटिंग कर रहे हैं, तो इनके लपेटे में आपको नहीं आना है। और अगर कोई ऑनलाइन जॉब करते हो तो मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ, पहले कहीं भी आपको पैसा नहीं करना। अगर वो कंपनी आपके पास काम करवाने के लिए आ रही है तो आपको पैसे देगी, आपको उनके पास पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर जॉब होती है, पार्ट टाइम जॉब होती है, फुल टाइम जॉब होती है, कुछ भी होता है उसके अंदर, तो बिलीव इन एक्सीलेंस, जैसे कि लिखा हुआ है पॉजिटिव रिव्यू, 91% पॉजिटिव रिव्यू है। उसके बाद सपोर्ट आफ्टर ज्वाइनिंग 97% का है, देन और 99% पेमेंट आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा, तो पेमेंट की दिक्कत तो है ही नहीं क्योंकि कंपनी काफी पुरानी 2008 की है यार, बहुत साल हो गए। आपको इनसे कॉन्टेक्ट करना है तो आप यहाँ पे इन्हें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, प्लस इनकी मेल आईडी भी है, आप दोनों जगह पर जाके कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ ओपनली है तो फ्रॉड के चांस नहीं है, और साथ ही साथ ही कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड भी है इंडिया के अंदर। यहाँ पे काफी सारे पेमेंट प्रूफ देकर रखे हुए हैं, जैसे कि हम देखते हैं 2024 का पेमेंट प्रूफ, इसके अंदर आप देख सकते हैं 32, 36, 28, 50,000, 57,000, 46,000, 18,000, 36,000, 54,000 डेट वाइज है कस्टमर का, मतलब सॉरी जो भी इनके एम्प्लॉय उनका नाम भी है, कौन सी डेट को किया है वो है, सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ वो देकर रखा हुआ, मतलब कि सब कुछ ओपनली यहाँ पे उन्होंने बता कर रखा हुआ है, तो पेमेंट की दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। अब सिंपल यहाँ पे काम करना है, तो काम करने के लिए देकर रखा हुआ है यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन, इस अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे हैं, फर्स्ट है अप्लाई विदाउट एग्जाम, मतलब कि यहाँ पे आपको काम करना है लेकिन आपको यहाँ पे एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ आपका रिज्यूमे डिपेंड करता है, आपका रिज्यूमे कैसा होगा, आपने क्या डिटेल सबमिट की, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कि आपका एग्जाम नहीं होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो एक चीज कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि है अप्लाई फॉर एग्जाम विदाउट एग्जाम फी, एग्जाम देना पड़ेगा सिलेक्शन होने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियरली बोल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है लेकिन आपको यहाँ पे कोई फी पे नहीं करनी है। अगर आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, आपका रिज्यूमे भी उसके अकॉर्डिंग है, तो आप यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज देख रखा हुआ है कि रिक्वायर 80% एक्यूरेसी इन टाइपन कोर्स सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे आपका टाइपिंग कोर्स का सर्टिफिकेट देना होगा, तो ही आप यहाँ पे काम कर पाएंगे, जिसकी एक्यूरेसी 80% की होनी चाहिए, जो कि आपके घर के आसपास को भी कंप्यूटर क्लास वाला है वहां से आप ले सकते हैं। आजकल सबकी टाइपिंग बहुत अच्छी होती है, उसकी दिक्कत आने नहीं वाली है। अप्लाई फॉर एग्जाम विथ एग्जाम फीस, तो यहाँ पे आपको एग्जाम देना है, इसके पहले आपको एग्जाम फी पे करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही कम है, सिर्फ 638 रुपीज है। अब इसके अंदर ऐसे लोग होंगे जिनका कोई फ्रेशर्स है, अगर आपका कोई रिज्यूमे नहीं है, आप 12th पास है, ऐसे कुछ भी लोग हैं, तो आपको यहाँ पे एग्जाम फी पे करनी पड़ेगी 638 रुपीज। जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के लिए आप पैसे देते हैं, वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट है यार। और 638 रुपीज के अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप फ्रेशर हो, आप 12th पास हो, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएटेड हो,
और आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप यहाँ पे एक बार एग्जाम दीजिए, एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है देन वल्ला वल्ला बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके ऊपर के जो है, फॉर एग्जांपल आपको टाइपिंग का एक्सपीरियंस है, आपके पास सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ है, तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप एग्जाम देते हो तो एक लिखा हुआ है, एग्जाम वर्क एंड ऑल इंस्ट्रक्शन विल सेंड टू यू विद इन 3 days ऑफ अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 3 दिन के बाद आपके पास मेल वगैरह सब कुछ आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि सेकंड नंबर का है यहाँ पे अप्लाई फॉर एग्जाम विदाउट एग्जाम फीस, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है आपको देके रखी हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक इंडियन है तो आपको आपका टाइपिंग एक्यूरेसी सर्टिफिकेट जो है वो इस मेल आईडी पे सेंड करना है, और इफ यू आर फॉर अदर कंट्री देन आपको सर्टिफिकेट इस मेल के ऊपर सेंड करना है। मतलब .in और .com का फर्क है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे और भी डिटेल देके रखी हुई है, और जो भी मेल आपको कैसे करना है वो सब लिखा हुआ है, क्या सब्जेक्ट रखना है वो लिखा हुआ है, आपका नाम लिखना है उसके अंदर, देन जो कुछ भी कॉपी पेस्ट करना है सब कुछ डिटेल यहाँ पे देख के रखी हुई है। देन इसके साथ ही आपको यहाँ पे नीचे फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको लिखना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। देन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि अप्रूव कोड टू ज्वाइन विदाउट एग्जाम फीस। अभी आपको कोड कहाँ से मिलेगा, जैसे कि आपने मेल किया, मेल करने के बाद आपको कंपनी की तरफ से कोड आएगा, जो कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे कोड डालते हो देन यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन क्लिक करना है। विदाउट कोड आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिज्यूमे सेंड करना पड़ेगा, आपका टाइपिंग टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आपने तरीका देखा घर बैठे कमाई करने का, पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब का, इसके अंदर ही अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं ऑनलाइन जॉब्स के अपडेट जो है वो डालता रहता हूँ। रोजाना एक दो अपडेट आते रहेंगे, जहाँ से कि आप घर बैठे कमाई कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है ऑनलाइन तो उसके क्या तरीके हैं वो भी आपको बता के रखे हुए हैं। तो इसीलिए मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।